अस्सलाम वालेकुम। हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आज पढ़ने लगे हैं, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर पहले तो ये रिलीफ एक्ट तभी समझ आता है जब आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको आता होगा 1872 तो ही आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आता होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि कोई भी काम उसकी बेस का पता होगा तो वो कोई काम होगा। अब हमारे यहां ये बात करेगा कॉन्ट्रैक्ट की, इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट आपका डेफिनेशन आप लोग जानते हैं। उसके अंदर वो कहता है कि किस तरह का इंस्ट्रूमेंट उसको आप, ये जैसे कि नाम से ही है स्पेसिफिक रिलीफ, रिलीफ देना लेकिन स्पेसिफिक। ठीक है, जो उसका बनता है मुख्तस, ठीक है, वो वाला रिलीफ। लेकिन वो किस चीज से आपको मिलेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, डेफिनेटली कोई अग्रीमेंट होगा। ठीक है, अग्रीमेंट होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इन दोनों में फर्क तो आप लोगों को पता है, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क तो पता होंगे आप लोगों को। ठीक है, क्या है जी? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट। शाबाश, एलैबोरेट। अग्रीमेंट मींस इनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या अग्रीमेंट दैट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट होगा जो इनफोर्सेबल बाय। अच्छा, इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो अग्रीमेंट कौन सा होगा? अग्रीमेंट जो है वो जिसमें होगा एक प्रॉमिस, एक प्रपोजल होगा और एक्सेप्टेंस होगी विद कंसीडरेशन। हाँ जी, ठीक है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ठीक है, वो तो पार्टीज है ना। तो खैर, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की समझ आप लोगों को आ गई, आती है। इसके बाद अगला काम शुरू होता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कदे जी मियां बीवी राजी तक की करेगा काजी, भाई किसी को प्रॉब्लम ही नहीं तो इसकी प्रॉब्लम, इसका इंप्लीमेंटेशन क्यों आएगी भाई, सीपीसी क्यों आएगी? हम तो बात कर रहे हैं, दो तरह के लॉज पढ़ रहे हैं ना, एक सब्सटेंटिव पढ़ रहे हैं, एक प्रोसीजरल, एक एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं साथ में। ठीक है, एडजेक्टिव भी होते हैं ना, एडजेक्टिव लॉ कौन सा था पढ़ा हमने? क्यूएसओ, कानून शहादत पढ़ लिया हमने। इसके अंदर ये देखना है, अब देखना है, पहले तो देखना है कि ये जो जो आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये सारा का सारा डिस्क्रिशनरी है, टोटल डिस्क्रिशन पे बेस करता है। अब हमारे यहां जितने भी दावा जात होते हैं सिविल के अंदर, 99% स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में से होते हैं। ठीक है, 99%। ठीक है, हम कभी प्रोविजन देखते नहीं है वहां पे, वो अलग बात है ना, हमारे ड्राफ्टिंग के ऊपर लिखते हैं वो भी अलग बात है, लेकिन ज्यादातर जो हम रिलीफ मांग रहे होते हैं वो कहां से? सीपीसी के अंदर तो हमें प्रोसीजर बताया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन जो रिलीफ हमने लेना है वो प्रोसीजर तो सिर्फ तरीका बताता है ना, कि मुझे तरीकाकार बताओ जी, हांडी बनानी तो कैसे बनानी, छत पे जाना तो कैसे जाना, एक तरीकाकार है ना। आपने पहले दिन से आखिरी दिन तक आपको कैसे, किस किसने लेके देना है, वो जज साहब बैठे हैं, कौन से जज हैं, वो तो एक तरीका बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आपको कहता है कि आप उसके जरिए जाएं, वो होता है सब्सटेंटिव लॉ। तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट से शुरू होगा, वो डॉक्यूमेंट से शुरू होगा। जो आप डॉक्यूमेंट लिखेंगे लीगली इन्फोर्सेबल भी होगा तो ही इन्फोर्सिबिलिटी होगी ना। अच्छा, ये बात इसके अंदर, बाकी वो बातें हैं जो आपके स्टूडेंट्स के लिए, अब जो एमसीक्यूज टाइप पेपर या कभी वो पूछ ही लेता है कि टोटल सेक्शन 57 है इसके, टोटल चैप्टर 10 है इसके, और पार्ट इसके 2 है। ठीक है, इसी तरह ये फर्स्ट एक्ट है 1877 का, और ये 7 फरवरी 1877 को ये दिया ना, उसी दिन इन्फोर्स हुआ और उस दिन ये बना। ये तो यहां तक है। अब बात है स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर, कोई भी मुआयदा जब आप करते हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो ही आप उसको किसी लॉ की कोर्ट में ले जाएंगे ना। जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा वॉइड होगा। yes, sir.
तो फिर आप जा नहीं सकते। हाँ वॉइडेबिलिटी है तो पहले वॉइडेबिलिटी वैलिड और वॉइडेबल दो चीजें, ये कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है तरह वैलिड या वॉइडेबल दो चीजें पहले तो डिटरमिन होंगी। अगर वैलिड निकला तो देन आप इधर आएंगे ना, देन आपकी चीजों आपको मिलेंगे। अगर हो ही वो वॉइड गया तो फिर तो आप नॉकआउट हो गए ना। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर जो चीजें उसने बताई हैं, जो पढ़नी है हमने। बहुत इजी सा है, समझने की जरूरत है। समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा, नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया आज तक इसमें जब से ये बना, क्योंकि ये एक बड़ा एग्जॉस्टिव है, बहुत इसके अंदर फायदे भी लोगों को होते हैं। देखिए, आपका सबसे पहली बात है कि रिलीफ आपको मिल कौन से सकते हैं। तो सिंपल सेक्शन पांच, सेक्शन पांच सिंपल बता देता है कि एक दो तीन चार और पांच, ये रिलीफ आप ले सकते हैं। और यही पूरा का पूरा क्या है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। पूरे के पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यही है कि आप पोजेशन का रोला है। मैं कहता हूं मेरी पोजेशन है, आप कहते हैं मेरी पोजेशन है, मैं किसी से पोजेशन छीन लेता हूं, आज छीना कल छीना परसों छीना, मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी वो भी हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो आपका वो पोजेशन के लिए आपका 8, 9, 10 और 11 सेक्शन है। ये आपका किस चीज के लिए है, पोजेशन के लिए। ठीक है, ये 8, 9, 10 ये आप बाद में लिखा करें, आपको जो है ना अभी सिर्फ समझा करें। ठीक है, समझने के बाद हाँ कोई चीज नहीं समझ आएगी बाद में तो मैं यहां ही अवेलेबल हूं। उसके बाद है ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस क्या होती है, टू डू और नॉट टू डू, वो ऑब्लिगेशंस की बात है। ठीक है, वो सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 41 तक सारी की सारी ऑब्लिगेशंस बताएगा। ठीक है, ये मैं सेक्शन 5 को खोल रहा हूं सर, सेक्शन 12 से 41 तक। हाँ जी, मैंने कहा कि ये अब लिख लीजिएगा बात, पहले भी सिर्फ अटेंटिव होकर समझा करें फिर चीजें समझ आती हैं। अगली बात है प्रिवेंशन। आप देखिए प्रिवेंटिव रिलीफ भी होता है जिसे आप इंजंक्शन कहते हैं, स्टे कहते हैं, स्टे की अवैधताएं जो होती है मैंडेटरी होता है, ये मैंने लिखा डिस्क्रिशनरी प्रिवेंटरी मैंडेटरी परमानेंट, ये सारे स्टे की टाइम्स है। ठीक है, ये प्रिवेंशन है ना। फिर अगले, अब ये कहां से है, ये आपका 52 से 57 ये एंड पे है। ठीक है, सारा का सारा। उसके बाद डेक्लरेशन है। डेक्लरेशन किसको कहते हैं, डिक्लेयर करना। आप रोज डेक्लरेशन का सूट करते हैं, सूट फॉर डेक्लरेशन, बट कौन सा सेक्शन है, 42। ठीक है, फिर उसके बाद रिसीवर रह गया 44। ठीक है, बस बात ही खत्म होगी। क्या हो गया, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। आप देखें कोई सेक्शन नहीं रह गया, 8 से 11, 12 से 41, 42, 44, 42 और 43 ये दोनों डिक्लेरेशन के लिए। ठीक है, 40 और 43, फिर 44 रिसीवर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, पूरा प्रोसीजर आपका सीपीसी में बताया हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑर्डर ऑफ सीपीसी में, क्या रिसीवर का 40 पूरा ऑर्डर 40। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा उधर बताया हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब सॉरी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। स्पेसिफिकली आपने रिलीफ लेना है उसके अंदर। अब पोजेशन दो तरह का होता है, पोजेशन दो तरह, एक मूवेबल प्रॉपर्टी का भी होता है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी होता है। ठीक है, अब मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज होती है ना। आपका मोटरसाइकिल गाड़ी है, वो किस चीज की, साइकिल हो चाहे स्कूटर हो, वो मूवेबल है ना, तो मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन भी हो सकता है और इमूवेबल का भी हो सकता है। आपका घर जितने इमूवेबल है, तो उनके लिए अगर इमूवेबल है तो 8 और 9 सेक्शन होंगे, और अगर मूवेबल है तो 10 और 11 सेक्शन होंगे। तो ये पोजेशन की बात करते हैं। फिर आगे ऑब्लिगेशंस की बातें, जो आप रोज कहते हैं कि मैं दावा कर रहा हूं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। अच्छा, वो मैं दावा कर रहा हूं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का,
तो वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सेक्शन 12 के अंदर लिखा हुआ है कि कौन से ऐसे दावे हैं, कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकते हैं, कौन से ऐसे सूट्स हैं, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकते हैं। तो जहां स्पेसिफिक इन्फोर्स हो सकते हैं, स्पेसिफिक से मुराद होता है तामीले मुख्तस दावा करते हैं कम, कौन से करते हैं 12 में, जो कौन से हो सकते हैं, हाँ जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकते हैं वो सेक्शन 12 में लिखे हुए हैं, ठीक है, सेक्शन 12 के अंदर। और 21 में लिखे हुए कौन से स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकते। अच्छा, अच्छा। ये हमेशा सवाल ही बहुत पूछा जाता है कि कौन से ऐसे दावे हैं, कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकते हैं। तो वो कौन से सिनेरियोज हैं, वो सिनेरियोज 1, 2, 3, 4, 5 बताए हुए किसमें 12 में, और कहां कौन से कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकते वो कहां बताए हुए 21 में, ठीक है। तो इन बिटवीन बताया हुआ है कि कोई आधा हो सकता है, कितना आधा जल गया, इम्पॉसिबल हो गया, फलाना फलाना, वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिटेल में, आप जब देखेंगे डिटेल में पढ़ेंगे तो वो देख लेंगे। आज इसको मैं एक नटशेल चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि पूरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो एक हवा बना होता है वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। इस तरह अब सेक्शन जैसे कि यहां पे 8 और 9 है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वो क्या है, और ये इमूवेबल के लिए ऐसे है कि 8 में रेगुलर सूट है, 8 में क्या है रेगुलर सीपीसी के तहत चलेगा, रेगुलर सूट क्या है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना जी, ये भी आप लोगों के लिए, अगर मेरी कोई बात मतलब मैं बाद में आपको याद नहीं रहती तो यूट्यूब है, फेसबुक है, आप सारों के पास होता है, आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कंसंट्रेशन, यहां पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस में सबसे मेन डिफरेंस ये होता है कि आप जब फिजिकली बैठे हुए हो आप बार बार सवाल कर रहे हो, वीडियो के दौरान भी, वीडियो अगर नहीं बन रही तो आप बार बार सवाल पूछ सकते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑफ माइंड हो जाती है। और जिस अगर आपको बाद में ये बातें सारी ना समझ आए तो ये बातें इसमें से कुछ स्किप हो जाए तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी बातें वो रिमाइंड हो जाएंगे। अच्छा, बात कर रहे हैं कि सेक्शन 8 रेगुलर सूट होता है, सेक्शन 8 क्या होता है रेगुलर सूट, ठीक है, सेक्शन 8 है रेगुलर सूट। रेगुलर सूट मतलब वो जैसे कि चलता है पहले दाव, पहले नोटिस, फिर जो है ना रिटर्न स्टेटमेंट, फिर शहादत, डिटेल बातें वो सारी। लेकिन सेक्शन 9 जो है ना वो है समरी सूट, कौन सा समरी सूट, समरी सूट में चट मंगनी पट ब्याह वाली बात है, ठीक है, कोशिश की जाती है कि जल्दी जल्दी इस मैटर को सुलझाया जाए, सॉल्व किया जाए, ठीक है। लेकिन 8 की लिमिटेशन कितनी है 12 साल, लिमिटेशंस की बात भी करेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता चीजें, सेक्शन 8 की लिमिटेशन कितनी है 12 साल, लेकिन सेक्शन 9 की लिमिटेशन कितनी है 6 माह। अब 12 साल के अंदर आप दावा कर सकते हैं मेरी पोजेशन मेरे पास नहीं है, मुझे पता चला इलीगल, किसी ने इलीगली मेरी सूट के ऊपर मेरी प्रॉपर्टी पे पोजेशन लिया हुआ है, मुझे डिस्पोजेस किया हुआ है, तो मैं 12 साल के अंदर अंदर दावा कर सकता हूं। और यहां पे वो कह रहा है कि जिस वक्त आपको इलीगली को डिस्पोजेस करता है तो 6 महीने के अंदर अंदर आप दावा कर सकते हैं। एक क्रिमिनल रेमेडीज और सिविल पैरेलल चल सकती है, याद रखिए कि ये इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 में आ गया था, ठीक है, तो वो भी है, आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, कहा सेशन कोर्ट में जाकर सेशन जज के पास उसकी कॉग्निजेंस लेते हैं और वो वहां पे क्योंकि वो स्पेसिफिक एक स्पेशल लॉ आ गया तो वो इनको इंटरटेन करता है, डील करता है, ठीक है। ये सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, डिटेल तो पढ़ के आप लोगों को समझ आ जाएगी लेकिन ओवरव्यू से आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी। फिर इसी तरह 11 और 10 और 11 ये मूवेबल के लिए है, ठीक है। 12 मैंने बता दिया कि कौन कौन से सिनेरियोस हैं जहां पे स्पेसिफिकली आप इन्फोर्स कर सकते। देखिए ऐसी चीज जो मैंने की, मैंने एक दावा की, लाइक मैंने आपसे मुआयदा किया और वो चीज ही ऐसी कि उसके बिना मेरा गुजारा ही नहीं, ठीक है, वो रेयर है, वो एंटीक है, प्रीशियस है, प्रीशियस है। तो आप कहें कि नहीं जनाब ए मतलब
अल्टरनेटिव ले लो तो वो कहता नो, मैंने लेनी ही ये है। स्पेसिफिकली इनफोर्स करवाया जाए तो कोर्ट क्या करती है, करवाती है। जिसने अभी 4-5 बताया मैं, वो हम इनको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अगली बात है प्रिवेंटिव, प्रिवेंशन टू डू और नॉट टू डू वाली बात, प्रिवेंट करना। ये प्रिवेंटिव रिलीफ को सेक्शन 6 में भी बताया हुआ है। वो कहता है कि रिलीफ ग्रांटेड अंडर क्लास सी ऑफ यही बात कार्ड प्रिवेंटिव रिलीफ तो उसको कहते हैं जो प्रिवेंटिव रिलीफ क्लास सी में दिया हुआ है। अब प्रिवेंटिव रिलीफ इसलिए इसको कहते हैं कि यहां पे इंजंक्शंस वाली बात, हाँ सॉरी ऑब्लिगेशंस के अंदर जब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 12 से 41, तो उसके अंदर जो के इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जिनके बहुत दावाजात होते हैं। ये रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दुरुस्तगी, किसी कोई गई गलती हो गई, म्यूचुअल कंसेंट से हो गई, आप क्या चाहते हैं उसको रेटिफाई कर ले, क्या कर ले, रेटिफाई कर ले, दुरुस्त कर ले, उसकी तस्दीक कर ले। वो सेक्शन 30 से लेकर 34 तक है, 31 से लेकर 34 ये क्या है आपका रेटिफिकेशन ऑफ दुरुस्तगी। रेटिफिकेशन किसको कहते हैं, दुरुस्त करना कि भाई हम दोनों से गलती हो गई कि ये चीज लिखनी थी, लेकिन इसे म्यूचुअल मिस्टेक कहते हैं ना, रेटिफिकेशन। अब वहां पे आएगा आप सारे माशाल्लाह जितने देखने वाले सुनने वाले हैं सारे ही समझदार हैं, सबको सब कुछ आता है, कॉमन सेंस सब की है। आप लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस, आप सिर्फ अल्फाज से मार खा जाते हैं, उनकी मिथ से मार खा जाते हैं, बेस से मार खा जाते हैं। तो बेस मिथ और बेस यही है कि अल्फाज की अंडरस्टैंडिंग, रेटिफिकेशन, रेटिफाई कोई भी इंस्ट्रूमेंट तब हो सकता है जब म्यूचुअल कोई मिस्टेक हुई हो, क्या हुआ हो, म्यूचुअल मिस्टेक हुई हो, तो वहां पे रेटिफिकेशन इसके यही ग्राउंड है कि म्यूचुअल मिस्टेक हुई है तो वो एक्सप्रेस इंटेंशन को जाहिर नहीं कर रही। मतलब मैं कहूं कि मेरा घर ले लो, हम मैं कहूं कि ए को मैं ए हूं, बी को कहता हूं मैं घर बेचना चाहता हूं, बी कहता मैं लेना चाहता हूं, कितने का, इतने का। अब मेरे पास कितने का, एक मरले का, ये 10 एक कनाल का, एक कनाल का घर मैंने ले लिया, कितने पैसे थे, मैंने कहा जी एक कनाल के मैं 10 करोड़ लेता हूं, 10 करोड़ में एक कनाल ले लिया। कहां पे, गार्डन टाउन में जी, गार्डन टाउन में मैंने एक कनाल का घर 10 करोड़ में ले लिया। अब ले लिया लेकिन उसके ऊपर मैं घर नंबर लिखना भूल गया, गार्डन टाउन में तो मेरे 4 घर है, ठीक है, अब वो है भी सारे एक कनाल के, तो मुझे मिस्टेक ये हुई कि भाई 10 कनाल मैंने वहां पे कौन सा बेचा है, ये म्यूचुअल मिस्टेक हुई। तो वो उसको तस्दीक कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, वो आपका रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया। 31 to 34 सर ये समरी सूट होगा, नहीं सूट तो सूट है, ये सूट है ना आपको दुरुस्त, लेकिन ये आप कोर्ट से भी रेटिफाई करवा सकते हैं तो कोर्ट रेटिफाई कर देता है, ठीक है। फिर है जी रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब रिसेंड मनसूख कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मनसूख, रिसेशन क्या होता है, मनसूख करना, खारिज करना, ठीक है, हाँ जी नलिफाई करना, ठीक है, तो वो भी किया जा सकता है, इसको बिल्कुल अबॉलिश कर दिया, हाँ वो कहते जी खत्म कर दो, हम नहीं चाहते, क्योंकि जिस बात पे ये अब कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल आर टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ, ठीक है, मैं चाहता था लेकिन ये नहीं कर रहा तो अब इसको क्या कर मनसूख कर दिया जाए, क्योंकि मैं अब इसको जो है हमने लिखा था, ये प्लेंटिफ का सोल राइट होता है वो इसको डिसेंड करे कॉन्ट्रैक्ट को, क्या कोई भी जहाज लिखे ना परचेजर या लेसी पोजेशन इसके पास, वो कहता है जी मैंने घर खरीदा, हमने इतना टाइम लिया था, हमने कहा था इसको इसने इतने अरसे में देना है, लेकिन वो डिफॉल्ट कर गया, पेमेंट नहीं दे रहा, या पेमेंट वक्त होते हैं ना कि पेमेंट मैं 10 दिन में पेमेंट दे दो, तो वो कहता है कि वो पेमेंट नहीं दे रहा, अब बात खत्म, मैं नहीं देना चाहता इसको, क्योंकि टाइम भी खत्म हो गया, तो टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा हुआ ना, टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना, yes, तो वो पढ़ा हुआ है, ठीक है, हाँ जी 56, ठीक है, तो उसके अंदर वो कहता है एसेंस है कि टाइम पे कोई भी काम, देयर इज स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम मेंशन इन एनी जी, बिल्कुल 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 कंसीडर एज एसेंस, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। इसी तरह कैंसिलेशन है,
अब ये कहां से 35 से लेकर कहां तक बताइएगा 38 तक, 35 से 38 तक क्या है आपका रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, रिसेंड किया जा सकता है 35 से 38 तक, तो रिसेशन मनसूखी, ठीक है, मनसूखी, रेटिफिकेशन दुरुस्तगी, ठीक है, और कैंसिलेशन, कैंसिलेशन कहते हैं खत्म करना, ठीक है। अब खत्म करना है किन ग्राउंड पे, अब ये देखिए ना रिसेशन और कैंसिलेशन में फर्क आपको पता लगना चाहिए ना, यही नहीं पता, हाँ शाबाश, यही मैं बताने के लिए खड़ा हुआ हूं, ठीक है, कि आप कहते हैं रिसेंड करें कि स्पेसिफिकली टाइम दिया था, टाइम के अंदर क्या है ये चीजें हमने कॉन्ट्रैक्ट प्लेंटिफ की वजह से या अनलॉफुल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल कॉज नॉट अपीयरेंट ऑन इट्स फेस, ठीक है, एंड डिफेंडेंट इज मोर ब्लेम देन प्लेंटिफ, तो एक दूसरे को ब्लेम नहीं जी इन्हें नहीं किया था जी मैं नहीं किया था, तो वो इस तरह से मैं इसको प्रॉपरली जब आपको समझाऊंगा, लेकिन आप जो कंसिलिएशन के ग्राउंड्स हैं वो देखेंगे तो ज्यादा, आप कह रहे हैं कि कैंसिलेशन के जो रीजंस हैं वो आपको पता बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज है, कहता है एक तो रिटन इंस्ट्रूमेंट इज वॉइडेबल, वॉइड आर वॉइडेबल, क्या है वॉइड है या वॉइडेबल, अभी मैं वॉइड और वॉइडेबल की बातें कर रहा था, तो ऐसी सूरत में आप कहां जाते हैं कैंसिलेशन में, जनाब प्योर फ्रॉड है, मैंने तो लिखा ही नहीं भाई, रिसेशन में तो कह रहा हूं मैं लिखा है, मैं मानता हूं भाई मेरे मैंने मेरे हमारा मुआहदा हुआ है, लेकिन कैंसिलेशन इसलिए जा रहे हैं कि भाई मैंने तो ये कभी लिखा ही नहीं, है ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल, वहां पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी, वॉइडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इस सेक्शन में नहीं है, हाँ रिसेशन में वॉइड या वॉइडेबिलिटी का नहीं था, ठीक है, अब यहां पे वॉइडेबिलिटी का है, वहां पे एट द ऑप्शन वन पार्टी हो सकता है कि वॉइडेबिलिटी का हो, ठीक है, हो सकता है कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो कि जनाब मैं उन्हें करना सी, उन्हें कितना सी, मैं करना सी, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन जिसका है वॉइड का भी है एंड वर्डेबिलिटी का भी है, मतलब सर रिसेशन में तो उन्होंने टाइम भी बता दिया है ना, हाँ आपने रिसेशन के लिए जाना है तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाइड है कितने टाइम में, तो देन आप ये वाला जो है ना वो ग्राउंड रेज कर सकते, उसके अंदर भी कुछ कंसीलमेंट आ सकती है रिसेशन के अंदर, इसीलिए ज्यादातर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दावाजात नहीं होते रिसेशन के अंदर, क्योंकि इसी बात को मोर देन कवर कर गया आपका कैंसिलेशन, इसलिए हमेशा आप कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का आप देखते हैं, जब भी दावा देखते हैं मनसूखी दस्तावेजात का दावा होता है, कहां से लेकर कहां तक, 39 से लेकर 41 तक, ठीक है, 39 से वॉइडेबिलिटी का, हाँ जी ये कहां है 39 to 41 तक, तो ये आपका कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे कॉन्ट्रैक्ट है, इन दोनों में इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है, रेक्टिफिकेशन में भी इंस्ट्रूमेंट है और कैंसिलेशन में इंस्ट्रूमेंट, लेकिन यहां पे रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ही हमने क्या करना मंसूख करना, हमने करना ही नहीं, वॉइड एंड वॉइडेबिलिटी अगर आ जाए और क्या ग्राउंड है, बस वॉइड एंड वॉइडेबिलिटी है ना। अब बात है अगली, इसके बाद वाली, यहां पे डिक्लेरेशन, दावा, डेक्लरेशन, डेक्लरेशन को उर्दू क्या होती है, इस्तकरारे हक, शाबाश, ठीक है, इस्तकरारे हक। सर कैंसिलेशन का एक ही ग्राउंड है, एक सर एक ही बताया आपने, वाइड है या वॉइडेबिलिटी, तो ये एक हुआ वाइड और वॉइडेबिलिटी एक होता है, दो सर, अच्छा ठीक है, चले इसको हम मजीद जब मजीद एलेबोरेट करते हैं वन बाय वन टॉपिक्स पढ़ते हुए, तो फिर इसके जो मेन चीदा चीदा मेन जो डिफरेंसेस हैं उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे, ठीक है। अभी मैं आज आपको नटशेल में चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपके जहन में हो, ताकि आप जो है ना एक सीक्वेंस में भी, ठीक है। अब इसके बाद 44 रिसीवर है, तो कहता है रिसीवर अपॉइंट, आप सेक्शन 44 है उसके अंदर रिसीवर अपॉइंट हो सकता है उसके जरिए, लेकिन तरीकाकार सारा ऑर्डर 44 सीपीसी के अंदर बताया हुआ, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर, तो वो वहां से आप ले लेंगे।
अब बात आती है प्रिवेंटिव रिलीफ की। यहां पे ये डिक्लेरेशन है ना, एक दो तीन और चार, ये आपकी प्रिवेंशन है, ये आपकी क्या है, रोका हाँ जी, इंजंक्शन है। ठीक है, आप पूछ नहीं रहे 44 से अचानक 52 कैसे आ गया, दरमियान वाला सेक्शन गायब है, ओमिटेड है, नहीं है। ठीक है, वो इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटीज थी वो 1981 में क्या हो गई थी, वो उमेट हो गई थी। अच्छा, बात आती है 52 में। अब यहां पे वो लफ्ज यूज कर रहा है प्रिवेंटिव रिलीफ कैसे, उसने कहा प्रिवेंटिव रिलीफ कैसे दिया जाता है, उसने कहा टेम्परेरी और परपेचुअल इंजंक्शन के जरिए दिया जा सकता है। किसके लिए, टेम्परेरी और परपेचुअल इंजंक्शन के जरिए, टेम्परेरी आरजी, हुक्मे इम्तनाई आरजी होता है और हुक्मे इम्तनाई दवामी होता है और एक हुक्मे इम्तनाई ताकीदी होता है। क्या होता है, हुक्मे इम्तनाई आरजी, ठीक है, आरजी, हुक्मे इम्तनाई क्या होता है, एक होता है हुक्मे आरजी, एक होता है हुक्मे इम्तनाई ताकीदी, और दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, हुक्मे इम्तनाई, ठीक है, आरजी और ताकीदी, और क्या उर्दू में कभी बता रहा था आपको, हुक्मे इम्तनाई दवामी, ठीक है, आरजी, दवामी और ताकीदी, ठीक है, यही बताने लगा, परपेचुअल, ठीक है, परपेचुअल का मतलब क्या होता है आपका, परपेचुअल का मतलब क्या होता है, परमानेंट, शाबाश, ठीक है, परपेचुअल होता है परमानेंट, ताकीदी होता है मैंडेटरी, आरजी आपका ये दोनों डिक्लेरेटरी, डिस्क्रिशनरी और प्रोहिबिटरी, ठीक है, ये डिक्लेरेटरी और प्रोहिबिटरी है, क्या है, डिक्लेरेटरी और प्रोहिबिटरी कौन से होंगे, आरजी, हाँ जी, और प्रोहिबिटरी, आरजी के अंदर फॉल करेंगे। ठीक है, आरजी होता है कि आपका टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, अब मैंने बताया हुआ था एड इंटरिम होता है कि वो जो उस दिन मिला है अगली डेट तक, तो वो एड इंटरिम है। ठीक है, तो ये हुक्मे इम्तनाई आरजी, दवामी और ताकीदी, ये तीन तरह के हुक्मे इम्तनाई चलते हैं। अब ये मैंडेटरी और परमानेंट आपका कहते हैं जब तक आपका डिग्री होने के बाद जो होता है वो परमानेंट है। ठीक है, वो आपका मुकम्मल जब आप हमेशा के लिए रहेगा वो आपका क्या है, मैंडेटरी है, सॉरी है परमानेंट है। मैंडेटरी क्या होता है, ताकीदी, मैंडेटरी क्या होता है, ताकीदी, ताकीद करना। अब इंजंक्शन के अंदर ये होता है कि भाई मेरा घर था इलीगली, इन्होंने मुझे डिस्पोजेस किया, या मेरे प्लॉट था इन्होंने इलीगली क्या किया, डिस्पोजेस किया, और डिस्पोजेस करने के बाद क्या किया, उसके ऊपर इन्होंने घर बना लिया। ठीक है, और घर बनाकर अब मुझे तो मेरा चाहिए, तो कोर्ट गए कि भाई ऐसे कर, इसको इसका प्लॉट दे, ये घर सारा उखाड़ और ले जा। ठीक है, वो क्या है आपका, मैंडेटरी, उस ताकीद की है कि ये रुको भी, इससे तुमने डिस्पोज ऑफ नहीं करना, और साथ ये भी करो, वो क्या है आपका, मैंडेटरी इंजंक्शन है। ठीक है, तो ये आपका टोटल का टोटल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इसके बाहर और कुछ नहीं है। इंशाल्लाह इसको जो है ना, एक एक टॉपिक को, हमारे पास टॉपिक ही कितने हैं, 1, 2, 3 and 4, टॉपिक ही इतने हैं सारे, या इनको एक एक करके पढ़ना है तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7 टॉपिक्स हैं। 7 टॉपिक्स से मुराद है कि आपके 7 लेक्चर में ये मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। कोई बात तो पूछनी हो, बतानी हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।